हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं अपनी कार की सर्विस करवाने के लिए। तो चलो मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ और मिलते हैं आपसे रेडी होके। मैं पहुँच गई हूँ अपने पुराने वाले रूम पे, क्योंकि अंशुल भी मेरे साथ जाएगा तो मैं इसको लेने के लिए आई हूँ। और इसने लॉक लगा दिया है रूम पे और ये भी जाएगा मेरे साथ। मैं चला रहा हूँ, टोपी लगा पीछे है टोपी। जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना, वहाँ पे आई हूँ मैं। और अंशुल भाई साहब अपनी सेटिंग कर रहे हैं, तो चलेगा। कहाँ है स्वीट्स? जय माता दी। हमारे रूम के सामने मंदिर है और माता का मंदिर, और अच्छी बात है कि यहाँ पे हैंडपंप भी है। जय माता। पर यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है गाइस। गाइस यहाँ से ना होती है पैराग्लाइडिंग। कने लगा दे, कर तेरा लगा दे। तो हमने मेरे इसमें कम है चार्ज। पहाड़ी है और पहाड़ी गाने ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों अंशुल? लो भाई, हिमाचल में तो कहीं धूप है कहीं बादल है। अंशुल मैं चलाऊं गाड़ी? ये रही लड़के लोग। जब मतलब हम अकेले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं अपने भाई अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ कहीं भी, तो हमेशा बोलते नहीं नहीं हम ड्राइव करेंगे। ऐसा क्यों भाई, तुम्हें क्या शर्म आती है लड़कियों के साथ बैठते हैं साइड में? क्या कॉन्फिडेंस जब अकेले जाते हैं हम कहीं तो? अब क्यों भाई गर्ल्स, आपको भी लगता है ऐसा कुछ? भाई मेरा भाई तो मुझे कब बहुत कम चलाने, जब बहुत थक जाएगा तब चलाने देता है लगता है। हाँ अब जब मैं अकेले जा रही होती हूँ तो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ, तब इनको डर नहीं लगता है। क्यों भाई, ये सब लड़के ऐसे ही होता है। और जब मैं स्कूटी चलाती हूँ, हम आपको आराम देना चाहते जी नहीं। और जब मैं स्कूटी थी या जब मैं घर जाती हूँ स्कूटी चलाती हूँ, तब भी नहीं 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 पीछे बैठो दीदी आप, और सिखाई मैंने ही इसको। नहीं नहीं तो गाड़ी भी मैंने ही सिखाई है। अच्छा मैंने पहले ली थी स्कूटी। ये लड़के लोग ऐसे ही है भाई, इनको ना हम पे भरोसा नहीं। दो बात ये करना पड़ता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो संतरी काफी पसंद है, उल्टी से बचने के लिए। जो टॉपी रेन होती है शादी में मांग रही मिलती है। यार जब मेरी बहन की शादी थी ना, उसने पूरे रास्ते में ना सिर्फ संतरे की मिठाई टॉफ़ी मांगी, मिठाई नहीं सॉरी टॉफ़ी। कि मेरी ना तबीयत ख़राब होती है तो बंदी के लिए स्पेशल भाई। रोकनी पड़ी हमें गाड़ी, दुल्हन के अवतार में बंदी गई संतरे वाली टॉफ़ी लेने। तो भाई ये है हिमाचल, देखो पहाड़ पे पहाड़ पहाड़ पे पहाड़, किस किस को दिख रहे हैं ये। यहाँ पे ना अभी भी कहीं मौसम खराब है, कहीं धूप आई है देखो जरा, और कहीं यहाँ पे बारिश हो रही है। तो आज हमारा इमरजेंसी था जाना वहाँ पे, क्योंकि मेरी गाड़ी की सर्विस का टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है और मौसम आगे फिर से ख़राब है। तो हमें लगा था कि आज थोड़ी धूप आई है, थोड़ा सनी हो गया है आज, तो हम जाए आते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से कुछ मौसम ख़राब हो चुका है। तो यार मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बरसात में घर से बाहर मत निकलें, स्पेशली जो मुझे बाहर से आउट ऑफ हिमाचल से लोग देख रहे हैं। तो आप बरसात के टाइम पे मई एंड जून में कभी भी पहाड़ों की तरफ ना आने का सोचें,
मतलब हिमाचल हो, जो भी पहाड़ी एरिया है, उत्तराखंड हो गया या हिमाचल हो गया, J&K हो गया, जम्मू हो गया, स्पेशली हिमाचल और उत्तराखंड में आपको मई एंड में, जून में कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे इन दिनों में स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इन दिनों पे घूमने चले जाएँ, पहाड़ों में चले जाएँ। तो यार आप देख सकते हो किस टाइम हिमाचल में कितने सारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं, जिनको अभी पुलिस रेस्क्यू कर रही है, SDRF वाले, हमारे जितने भी यहाँ पे विंग्स बनी हुई है, SDRF है, पुलिस है, जो भी लोग हेल्प कर रहे हैं, सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं। स्पेशली लाहौल स्पीति में आज के ही पेपर में हम देख रहे थे कि 16,000 लोग अभी नहीं मिले हैं, 10,000 लोग मिल गए हैं। तो आप इन दिनों में मनाली, कुल्लू, शिमला कहीं पर भी विजिट ना करें, क्योंकि बरसात में हमेशा से पहाड़ों में ऐसा ही होता है। तो सबसे यही बोलना चाहेंगे कि आप इन दिनों पहाड़ों में ना आएं, क्योंकि इस टाइम पे हमें यहाँ पे खतरा रहता है। तो क्यों जुल यहाँ रोड अच्छा आ रहा है ना, आगे से ऊपर से जो ऊपर वाला ना। चलो यार, फाइनली मेरा भाई मान चुका है कि दीदी आप ही ड्राइव करो। वाओ, क्या सॉन्ग लगा दया, मेरी बैठ थी कितने बाय चांस लगा है गलती से। लो भाई, बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि पुलिस वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते विद प्रूफ यहाँ पे। ओके, भी कुछ लगे तूने कैसे किया रे, गाओ आप भी। समझ में सकूं तू मेरो का मेरे तो सूरज लगे। गाइस, मैं बहुत अच्छा सिंगर, मैं बहुत अच्छा सिंगर यार। मैंने छोटी गाड़ी ले ली थी ऑटो में, वहाँ से थोड़ी दूर से बनाया यार, पर मैं वो जाऊंगी बहुत बड़ी दिखूंगी। बड़े तो यार शादी हो गया आपकी, इससे ज्यादा मतलब है नजदीक से। वाओ, मस्त रोड। गाइस, लोकेशन गैस कर सकते हैं आप। वहीं शिमला में मैं फंस गई चढ़ाई में, क्योंकि मैं, मुझे आदत नहीं रही ना, ऑटोमेटिक गाड़ी की ही आदत है। नहीं नहीं गाइस, सच्चाई ये है कि गर्ल्स को गियर वाली गाड़ी आती है चलानी। उससे पहले के अभी बस गाड़ी नहीं थी गियर वाली। 90% गर्ल्स को नहीं आती गियर वाली गाड़ी, और पार्क करनी और पटनी नहीं आती भाई। ये सच्चाई। केसरिया तेरा आज बहुत अच्छे सॉन्ग लगाया है ना मैंने। मैंने कि मैंने मैंने लग, फोन तो मेरा है ना। चूड़ा कब उतारना आपने? चूड़ा यार जब मेरे घर वाले बोलते हैं यार, ये लोग हिमाचल में थोड़ा इसमें रूल्स रहते हैं, मर्जी से नहीं उतार सकते। ड्रेस में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हां जी, तो आपको कैसा लग रहा है आज इतने टाइम बाद ड्राइव करके? नहीं नहीं, गर्मी इतने दिन बाद किया में यार, विदाउट गियर ऑटोमेटिक गाड़ी में यार अच्छा ही लग रहा है। और गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बहन ने अपनी गाड़ी मुझे गिफ्ट कर रखी है। झूठ, बिल्कुल झूठ। शादी के बाद मुझे गिफ्ट कर रखी है, इतना बड़ा दिल, ओ माई गॉड, होती है किसी कैसी सिस्टर। पास ही रहती है गाड़ी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा कम। नहीं नहीं गाइस, मैं RC चेंज करवाने वाला हूँ।
परमानेंट मेरे पास थोड़ा सा ना कम विजिट कर रही हूँ, और हमारे पास एक और गाड़ी भी है, तो वहाँ पे ना कार पार्क नहीं कर सकते ना, तो थोड़े टाइम से मतलब शादी के बाद से क्या सीटें दिखा रहा है तो शादी के बाद से ना इसके पास ही है गाड़ी, उसको लग रहा है कि मैंने इसको दे दी है। नहीं नहीं गाइस, ये इन्होंने गिफ्ट कर रखी है मेरे को, ऐलान कर दीजिए आज। बिल्कुल भी नहीं कुछ ही भी नहीं। बड़ी मुश्किल से हम पहुंच गए बेटी। पुरानी यादें ताज़ा हो रही, पिछले साल ना इस दिन नहीं आए थे, पर हम सेम डे ही था। सर्विस है प्रियंका ने की। As you wish. पीला पीला ही हो रहा है सारा। कर दूँ मैं? पीले ले। ये तो बंद कर दूँ। कर दूँ मैं बाड़ी जच्चा दी। तो इस मेले आ रहा। ऐसी आती है। ये जरे यही है। लास्ट सर्विस में और ये यहाँ पे है ऑफिस। इतनी कम आवाज। और ये यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। मेरे को भी सुनाई दे रहा है, इसमें क्या सुनेगा? कॉफी में थोड़ी एनर्जी, कॉफी से मुझे एनर्जी मिलेगी। ओके
बहुत मोटे हैं ना। पुरानी यादें। हेलो फ्रेंड्स, हमने ना यहाँ से ली थी गाड़ी एक साल पहले और हमें बहुत बहुत साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं। नई गाड़ी की खुशी। ठीक है। गाड़ी आ रही है, नई नई गाड़ियाँ चेंज तो नहीं करना कुछ तूने? ब्लैक में बढ़िया है, सेल्टोस के लिए। कुछ इसी जगह पे हमारी गाड़ी भी थी, है ना? यही दिन था क्या? ये दिन नहीं था, 17 को लिया। ये कंप्लीट कर लो। ऑलमोस्ट 1 ईयर सेल्ट हो सके कौन? क्या हुआ? हम ही डाल देते हैं यार, अभी सर्विस में लग रहा है टाइम तो कम हो गया, बोर। नहीं चले घूमने बिना गाड़ी के किसी जगह पर? पैदल नहीं, सेल्टोस है ये। दिस इज सेल्टोस। हमारी गाड़ी के कवर है वाइट, जो कि बहुत चलती है। ये जो एक खूबसूरत सा ही ब्लैक होना ना, उसकी भी वाइट ही होनी थी, ब्लैक होना उसको ब्लैक होना। एसेसरीज लेनी है? ये क्या चीज होनी? ये एयर प्रेशर, जिससे टायर में हवा भरी जाती है। हवा भरी जाती है, काम की चीज है यार, लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये डैशबोर्ड पर डैशबोर्ड खाली से रखता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है किस चीज के लिए। फोन फोन रखते हैं ये आगे। मैं तो ये चाह रहा था वो साइड में नहीं रखते जो स्टैंड फोन फोन के लिए कॉर्नर में, तो हम ऑनलाइन बात व्लॉग बनाने के लिए। पाँच दस मिनट करता हूँ मैं, फोन करता हूँ। हाँ जी, हो रहे फिर बोर? हाँ यार भाई, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ यार। कैसे समय बिता रहे आप? मैं फोन चला के, हुई नहीं अभी तक गाड़ी, बस वॉशिंग में डाली है, बाहर से रह गई है, बाकी टेस्ट ड्राइव ली थी तो ओके है काम। वॉश हो रही है, अलाइनमेंट वगैरह और फिल्टर, इंजन ऑयल वो सब चेक हो रहा था, चेंज हो रहा था। भूख लगी मुझे, भूख। धाम खाने जाएंगे आज। कहाँ? मंडियाली धाम। कहाँ? यहीं पर है, झील के पास। वो हमारे रूट में आएगा? हाँ। ओके। आपने तो खाई नहीं आज तक ऐसे ही। मीठा मीठा होता है। हमीरपुर वाले धाम से तो अच्छा ही है। बस मैंने तो भी नहीं खाई। हमीरपुर की भाषा सीख ली आपने? ये किसके शेड्स पहने थे तूने? ये जो यहाँ पे रखे ये ही थे। ये मेरी गाड़ी में टूटे? अच्छा नहीं आपने मेरी, हमारी गाड़ी उसमें ही थे ये हैं। लग नहीं रहा पता आपको? देखा मैंने कैसे झांसा दिया आपको। बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिल गई है यार, इतना टाइम, बड़े भरे टाइम लगा दिया। ओह माय गॉड, थैंक यू। चलो यार, बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी हो गई है तैयार। हेलो बंद करो। हेलो हेलो और निजू है
रोटी तो आधा घंटा लाए बोला मैं तो बहुत हे भगवान मैं इतना सुंदर दिखता हूँ मुझे तो पता ही नहीं था मेरे को तो मालूम ही नहीं था जितना हैंडसम भी है जितना हैंडसम दिखता हूँ लड़कियां तो पागल हो जाएगी मेरे को देख लोग में मत कर पीछे डाल देना आप मुश्किल से हमें गाड़ी वापस मिली है यार पूरा 5 घंटे का वेट करना पड़ा एक्चुअली मेरी गाड़ी की थी थर्ड सर्विस और थर्ड सर्विस में आई थिंक थोड़ा टाइम लगता होगा सब कुछ चेंज होता है और पहाड़ी लोग बैठे और पहाड़ी सॉन्ग ना लगे ये हो नहीं सकता स्लो स्लो चलो बरसात में हिमाचल नहीं आए प्लीज अभी गणेश टनल के बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ये बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है यार मेरा भाई शेड से नहीं उतार रहा है अंदर लग रहा है मेरी आंखें सूज चुकी है नहीं नहीं लगता है बर्फ गिरने वाली है अच्छा शेड उतार दे यार बाहर अंधेरा नहीं बाहर अंधेरा होने वाला है धूप नहीं है अभी सच में रोशनी है तो अभी लगा होता देखो